आपका पार्टनर आपकी साइज से सेटिस्फाई नहीं होता है, भाई इस चीज़ को समझ लीजिए। आप क्यों टेंशन में हैं, आप क्यों इतना सारा बोझ अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं कि भाई मेरा तो साइज छोटा है, मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। जिनका पेनिस छोटा होता है ना, उनकी तो सेक्स लाइफ की लग जाती है यार। वो सोचते हैं यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई करूँगा, अगर मेरी शादी होगी और मेरा जो पेनिस है वो पसंद नहीं आया मेरी वाइफ को तो वो मुझे डिवोर्स दे देगी, मुझे छोड़ देगी या फिर गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली जाएगी। लड़कों के काफ़ी सारे सवाल होते हैं इससे रिलेटेड, मुझे काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के मिलते हैं कि मैम पेनिस का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, कितना साइज नॉर्मल है, और अगर साइज हमें इंक्रीज करना है तो प्लीज हमें बताइए हम क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, वीडियो को आप पूरा देखिए। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि आपका साइज कितना है, कितना साइज नॉर्मल है। आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आती है? आपको लगता है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा, उतना ही मैं अपने पार्टनर को मतलब चांद तारे दिखा पाऊंगा? तो भाई ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार बोला है कि साइज से पार्टनर को सेटिस्फाई करने का कोई लेना देना नहीं है। आपका पार्टनर आपकी साइज से सेटिस्फाई नहीं होता है, भाई इस चीज़ को समझ लीजिए। आप क्यों टेंशन में हैं, आप क्यों इतना सारा बोझ अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं कि भाई मेरा तो साइज़ छोटा है, मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। इवन काफ़ी सारे लड़के तो ऐसे हैं जो शादी के नाम से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है उनका साइज़ छोटा है और वो अपनी वाइफ को, होने वाली वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए वो ज़िंदगी भर कंवारे रहना चाहते हैं। तो इस डर को, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको बताती हूँ आपके पेनिस का साइज़ कितना होना नॉर्मल है। अगर इरेक्शन के बाद आपका पेनिस का साइज़ 2 इंच भी आ जाता है, यानी कि इरेक्ट होने के बाद, इरेक्शन आने के बाद 2 इंच का भी अगर आपका पेनिस है तो ये बिल्कुल नॉर्मल साइज है। इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरा तो छोटा है, मैं कैसे सेटिस्फाई कर पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। भाई इस चीज़ से दूर हो जाओ। सिर्फ 2 इंच का साइज भी अगर आपका है तो आप अच्छे से अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। एक फीमेल का जो वजाइनल होल होता है उसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 6 इंच की उसकी लंबाई होती है, लेकिन उसका जो 2 इंच तक का जो हिस्सा होता है ना, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेजर को फील करवाने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि आपके साइज से महिला का जो आपका पार्टनर है उसके सेटिस्फाई करने का कोई मतलब नहीं है कि जितना बिग साइज होगा उतना आप अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे। नहीं नहीं, इस भ्रम को दूर कर लीजिए। 2 इंच का साइज है ना सफिशियंट है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरा तो और साइज बड़ा होना चाहिए, आप हमें कुछ बताइए हम क्या करें, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको अपना साइज इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों का भ्रम दूर हो साइज से रिलेटेड। उनके दिमाग में काफ़ी सारे भ्रम बैठे हैं, वो उनका दूर हो सके। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।